पूरा साल जिंदा रहती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पैगाम, आलमी बरादरी से कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत दिलाने का मुतालबा। टू मोर का मुतालबा हुआ, उसके बरक्स विलिंगनेस टू मूव फॉरवर्ड का पैगाम मिला। नई हुकूमत की शानदार सिफारतकारी, अमरीका पहली बार टू मोर के मुतालबे से हट गया, ताल्लुकात में तआक्कुल टूट गया, पाक अमरीका मुज़ाकरात में कोई मनफी बात नहीं हुई। अमरीका अफगान मसले का सियासी हल चाहता है, पैसे पर नहीं, ताल्लुकात पर बात हुई। शाह महमूद की ब्रीफिंग। Minister, are you confident you can reset the relationship with the United States? You know, I'm a born optimist. A sportsman always is an optimist. He steps on the field and he thinks he's going to win. क्या आप पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए पुरउम्मीद हैं? अमरीकी अहदेदार का सवाल। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, मैं खिलाड़ी हूं और हमेशा पुरउम्मीद रहता हूं। खिलाड़ी जब मैदान में कदम रखता है तो सोचता है कि वही जीतेगा। दोनों मुल्कों के हुकाम खिलखिला उठे। बैरून मुल्क से पैसा वापस लाने के लिए टास्क फोर्स कायम, स्कूलों में जिस्मानी तशद्दुद पर पाबंदी, तालीम के शोबे में बेहतरी लाई जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास में बच्चों से ज्यादती और चाइल्ड लेबर रोकने के लिए इकदाम की मंजूरी। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस की समाअत, साबिक वजीर आजम के वकील ख्वाजा हारिस जेआईटी के सरबराह वाजिद ज़िया पर जरा करेंगे। नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना, आज जेल में मुलाकातों का दिन है। और जापान कुदरती आफात के नरगे में, अभी सैलाब की तबाहकारियां खत्म ना हुई थी कि जलजिले ने लर्जा दिया। होकेडो में 6.7 शिद्दत का जलजिला, लैंड स्लाइडिंग से दर्जनों इमारतें तबाह, मुतअद्दिद अफराद जख्मी, हलाकतों में इजाफे का खदशा।